नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वी की न्यूज। धर्मांतरण देश में बड़ा मुद्दा बन चुका है। धर्मांतरण करना यानी अपना धर्म बदलना। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म को अंतर आत्मा से मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। संविधान बनाने वाले दूरदर्शी थे, उन्हें पता था स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता तो दी लेकिन कुछ सीमाओं के साथ। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे लव जिहाद के नाम से प्रचलित एक ऐसा केस सामने आता है जिसमें मात्र धर्मांतरण के लिए शादी की जाती है। ऐसे में तमाम धोखेधड़ी की खबरें भी सुनाई देती है। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा इसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण कानून 2020 भी बनाया है, जिस पर जमकर बवाल भी हुआ। हालांकि लिबरल्स का मानना है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन मात्र धर्मांतरण के लिए ऐसे तमाम खबर सामने आई जिसमें पहले हिंदू नाम बदलकर किसी हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया गया, फिर लड़की जब पूरी तरह से फंस जाती है तो उसे प्यार के नाम पर धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया, जो कि गैर कानूनी है। ऐसी शादी को मान्य नहीं माना गया है और सरकार के ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है वो हैरान करने वाला है। इस बार शादी के बाद धर्मांतरण हुआ है, वो भी पत्नी ने खुद किया है, धर्म बदलकर ईसाई बन गई। और इतना ही नहीं, पत्नी ने पति पर घरेलू हिंसा के आरोप भी लगाए और निचली अदालत से इस आधार पर 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है इस आधार पर। लेकिन पति ने कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील की, जिसके बाद ईसाई धर्म को अपनाने वाली पत्नी को बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट की टिप्पणी सुनने के बाद पत्नी के होश फाख्ता हो गए। बता दें, कोर्ट ने सत्र न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मुआवजा दिया गया था। पीठ ने यह भी कहा कि पत्नी ने स्वीकार किया है कि उसने अपना धर्म बदल लिया है, जिससे स्वतः विवाह विच्छेद हो गया, यानी शादी रद्द हो गई, ये शादी अब नहीं मानी जाएगी। हालांकि तलाक नहीं हुआ था, इसके बावजूद भी इस मामले में महिला ने ईसाई धर्मांतरण कर इससे संबंधित सभी अधिकार खो दिए हैं। ऐसी स्थिति में निचली अदालत ने 4 लाख का मुआवजा देकर गलती की है या न्यायिक विफलता है, ऐसा कोर्ट का कहना है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, जब पत्नी ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाती है तो उसमें निहित सभी अधिकार निरस्त हो जाते हैं। हालांकि पाचियों के बीच कोई तलाक नहीं है, लेकिन पत्नी के ईसाई धर्म में धर्मांतरण को देखते हुए यह खुलासा होता है कि विवाह भंग हो गया है। इसके अलावा इस संबंध में किसी भी समक्ष न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट घोषणा पारित नहीं की गई है। हालांकि यह स्वीकृति तथ्य है कि पत्नी ईसाई धर्म स्वीकार कर चुकी है। पति ने ईसाई पत्नी के आरोप पर खंडन करते हुए कहा, उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोपों का खंडन किया था और दावा भी किया था कि पत्नी ने खुद उनका साथ छोड़ दिया है, उसकी लापरवाही के कारण दूसरे बच्चे की मृत्यु हो गई और इसके बाद वह ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गई और बेटी को भी ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। इसके अलावा वह पक्षाघात से पीड़ित है और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और याचिका को खारिज करने की मांग की गई। अब इस केस से समझा जा सकता है कि धर्मांतरण करना कोई खेल नहीं है। आप किसी स्वार्थ के लिए धर्मांतरण कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी है और शादी के लिए धर्म बदलना सही नहीं है और शादी के बाद भी धर्म बदलना भी सही नहीं है। ऐसे में शादी को शून्य माना जाएगा। अब इस खबर पर, इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।